तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सब भी बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे तैयारी चल रही है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कल रामलला जी पधारने वाले हैं अपने अयोध्या वापस। कल प्राण प्रतिष्ठापना होने वाली है राम जी की, और उसी की खुशी में, उसी की उपलब्धि में हम भी हमारे सोसाइटी में राम जी की पूजा करने वाले हैं। यहाँ पे हम पूरी पूजा करने वाले हैं, भजन गाने वाले हैं, और राम जी का नाम जप करने वाले हैं। प्रसाद का पूरा यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। तो उसकी तैयारी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे सोसाइटी में जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम सारे लोग मिलजुल कर इस फंक्शन को एकदम से त्यौहार ही बना देते हैं। और कल का दिन तो किसी त्यौहार से बड़ा नहीं है। ऐसा त्यौहार ना कभी हुआ था, ना आगे कभी होगा। इस तरह का त्यौहार, इस तरह का हर्षोल्लास, इस तरह का जो जोश सारे लोगों में हुआ आया है, मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली रात के अभी कम से कम 12:30 बज रहे, और हम सभी लोगों का जोश देखते ही बनता है। सभी बच्चे, बूढ़े, अपने हमारे सभी सोसाइटी के जितने भी लड़के थे, लड़कियां थे, सभी लोग आके इतनी हर्षोल्लास से हम तैयारी कर रहे थे कल के पूजा की। और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस सजावट के लिए। वैसे भी हमारे सोसाइटी की जितनी भी फंक्शंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम सब लोग मिलजुल के इसी तरह से सारे त्यौहार बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ आप भी इस सुवर्ण अवसर का हिस्सा बनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब कल मिलेंगे सुबह सुबह शाम दोनों टाइम। तो सारी तैयारियां तो हो चुकी है फ्रेंड्स, बस अब राम जी की आने ही की देर है। बस उस क्षण का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है, मुझे, आपको, इस पूरे देश को। तो चलिए, इस स्वर्ण अवसर का हम सब लोग हिस्सा बनने वाले हैं, इसकी खुशी ही सबसे ज़्यादा है। तो सुबह मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। तो पूजा के लिए सबसे पहले तैयारी हम कर रहे हैं यहाँ पे रंगोली की। यहाँ पे रंगोली डालने के लिए कोमल आई है, अनिता दीदी आई है, भव्या आई है, और थोड़ी बहुत रंगोली मैंने भी निकाली है। हमारी जो टीचर है, हमारी रंगोली टीचर, वो है कोमल, जिसने ये पूरी रंगोली हमें डाल के दी है। फिर हम इसमें अभी कलरिंग कर रहे हैं। और ये श्री नाम, श्री नाम के बिना तो किसी चीज़ की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। तो चलिए, रंगोली हो चुकी है, अब हम निकलते हैं आगे की तरफ।
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಇಂತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಗಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮ ಸೀತಾ ಹನುಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವೆ ತನು ಮನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಿತ್ರಣಿ ಅಮ್ಮರು ಬಂದು ಭಜನೆಯನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ರಿ चंद्र भगवान की जय। एक हमारे गांव पता हमी क्षत्रिय के आदर है संगी कान रास देसा पान कुंदर कुंदन देशा जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರಜಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಆಯ್ತು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸದ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟು ಬಯಸಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಂತ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಹೊರಗಿನ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ರಾಜಾದಿರಾಜುಗಳು ಹೋರಾಡಿ ಶೂರರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಡ್ಡೆಗಲ್ ಕುಂತಿದ್ದಾಳೆ ವಿತ್ ಕೇಕ್ ಜೊತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪ್ಲಾಜಾ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಂಬಾನೆ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಇವರುಗಳ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅವಳ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ.